Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BCom Honors 4th semester Public Finance Economics. इसको आज हम लोग डील करेंगे और देखेंगे इस असाइनमेंट में क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को लिखने ज़रूरी हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कराए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. मार्केट फेलियर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानना और गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले करती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इसको मैंने कैसे जस्टिफाई कराया है, लुक एट कि सबसे पहले आंसर को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताए कि सबसे पहले आपको मार्केट फेलियर के कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा. मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर मार्केट फेलियर के कॉन्सेप्ट के बाद ये पता करना पड़ेगा कि रीजंस क्या क्या होते हैं, हम इन चीज़ों से बच सकते हैं या ये ऐसी अनसर्टिनिटी है जो कि फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी. तो उसके कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको. नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट्स के बाद डिस्कस किया है क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल ना हो, जिस तरीके से हम लोग उसके अंदर डीलिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अब कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हम अडॉप्ट करके मार्केट फेलियर को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल ऑफ मोनोपोली आ गया, टैक्सेशन आ गया आपका, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, ये गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है इसके अंदर. और गवर्नमेंट देख रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट बीच बीच में इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं सो देट कि गवर्नमेंट को रिलेट किया जा सके. देखो इसके अंदर भी मेंशन किया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट मस्ट टेक अप स्टेप्स शेयर्स, ठीक है, किस तरीके से गवर्नमेंट इसका रोल प्ले कर रही है पब्लिक गुड्स के अंदर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर इनडिविजिबल, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स एंड द कोस थ्योरम, थ्योरम के बारे में भी इसने बताया है कौन कौन से सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्यूशंस के बारे में बताया है, मिसिंग मार्केट और जो फाइनल वर्ड्स मींस कंक्लूजन भी बोल सकते हो आप लोग, फाइनल वर्ड्स ही हैं कि किस तरीके से मार्केट को इन्हेंस किया जा सकता है और फेलियर से बचा जा सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 मैंने उठाया है. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पब्लिक फाइनेंस के बारे में उसके नेचर और उसके स्कोप के बारे में बताना है, तो उसको मैंने बताया है इन डिटेल. सबसे पहले मैंने मीनिंग और डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंस की बताई, जो जिसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के डेफिनेशन के हिसाब से अरेंज किया है. फिर मैंने बताया नेचर क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का, ये साइंस के थ्रू भी काम करता है और ये एज एन आर्ट भी काम करता है. साइंस में ये दो टाइप हो गए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस. और अगर आर्ट्स के हिसाब से काम करेगा ये तो किस तरीके से काम करता है ये बताया है. फिर उसके स्कोप बताए हैं, पहले मैंने जिस्ट में लिख दिया कि पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, एंड देन मैंने इसको पूरे को एक्सप्लेन किया है इन डिटेल. तो आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी जब आप इस पूरे असाइनमेंट को कर लोगे और इन पूरे चीज़ों से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला, दैट इज़ द कंक्लूजन वाला पार्ट. तो कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन व्हाट वी कैन से अबाउट द मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो वो पूरा का पूरा बताया हुआ कि ये स्टैटिक नहीं होता एंड ऑल द थिंग्स. ओके, तो अब आप लोगों के लिए इस लेक्चर वीडियो में इतना ही. असाइनमेंट पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल और बताओ मुझे, कमेंट करो कौन कौन से और असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी.